देखो आपने नारियल तेल देखा हो, नारियल तेल ना आपको बताऊं, नारियल तेल पैराशूट भी आता है ठीक है, और नारियल तेल डाबर का अनमोल भी आता है, लेकिन आज भी डाबर का अनमोल स्ट्रगल कर रहा है, मार्केट कैप्चर नहीं कर पाया है। आप जब भी नारियल तेल खरीदने जाते हो पैराशूट मांगते हो, आप बोलते हो पैराशूट दे दो, आप नारियल तेल नहीं बोलते, बोलते पैराशूट दे दो, क्योंकि इसने होल एंड सोल नाम बना लिया है मार्केट में। हालांकि दो प्रोडक्ट है, डाबर भी बेचता है और मारिको भी बेचता है, लेकिन आज भी मारिको का जो पैराशूट वाला है वो एक, ये नारियल तेल और पैराशूट एक दूसरे के सिनोनिम है। आप नारियल तेल बोलेंगे नहीं पैराशूट दे दो, ऐसी करके आप जब पेस्ट करते जाते हो कॉलगेट दे दो, समझ रहे हो, तो ये सिनोनिम बन जाते हैं, तो कंपटीशन अलग ही रह जाता है और इन्होंने जो क्वालिटी जनरेट की है वो अलग ही हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं किसके पास जाऊंगा, देखो जब कंपटीशन में ये सुपीरियर है तो मैं इसको खरीदूंगा। मारिको का 533 रुपए का शेयर है और ये 594। हालांकि डाबर कंपनी खराब नहीं है, इनके प्रोडक्ट और भी आते हैं, मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट के हिसाब से कंपैरिजन कर रहा हूं, लेकिन बोथ आर गुड। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ध्यान से देखो डाबर इज ऑल्सो गुड, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, पर अगर मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट को हिसाब में लेके अगर कंपटीशन को देख रहा हूं तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, समझ में आ रहा है। हालांकि डाबर के प्रोडक्ट बहुत आते हैं, मारिको के प्रोडक्ट बहुत आते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, आप ये मत समझ रहा मैं आपको ये कह रहा हूं कि डाबर मत खरीदो, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, आप अपनी बुद्धि लगाना, सिर्फ एक प्रोडक्ट के हिसाब से आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि प्रोडक्ट सेलेक्ट आपको शेयर सेलेक्ट कैसे करना है। अगर आप किसी कंपनी को लेकर कंफ्यूजन में हो, किसी प्रोडक्ट को लेकर कंपनी सेलेक्ट कर रहा हो और उसमें कंफ्यूजन में हो, तो उस प्रोडक्ट में बेस्ट कंपनी कौन सी मार्केट में उसको सेलेक्ट करो। जैसे आप घर पे डेली नारियल तेल लगाते हो एकदम चंपू हो जाते हो, उसके बाद नारियल तेल ओके मैं शेयर खरीदूंगा इसका, तो इन दैट केस आप जाओ बेस्ट पर, उसका शेयर खरीदो।